माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका दोस्त प्रदीप गौड़ एडवोकेट। सबसे पहले तो आपको आपके अपने चैनल प्रदीप लीगल हेल्प की तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएं। आज मैं बात करूंगा जेल में निरुद्ध सजा काट रहे कैदियों व विचाराधीन कैदियों के अधिकार क्या हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह उठता है कि गिरफ्तार व्यक्ति, मुलजिम व्यक्ति जो जेल में रह के सजा काट रहा है या विचाराधीन कैदी है, विचाराधीन कैदी अर्थात जिसपे अभी अपराध साबित नहीं हुआ है, जिसका अपराध अभी न्यायालय में विचाराधीन है, क्या ऐसे व्यक्तियों के भी कुछ अधिकार होते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे व्यक्तियों को जेल में रहने मात्र से ही उनके मूल अधिकारों से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। जेल में रहने के बावजूद भी उनके मूल अधिकार बने रहते हैं। आइए जानते हैं ऐसे व्यक्तियों के मूल अधिकार क्या हैं, अर्थात कैदियों के मूल अधिकार क्या हैं। सो फ्रेंड्स, पहला तो निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा सूचना पाने का अधिकार, तीसरा चिकित्सा व्यवस्था पाने का अधिकार। किसी मुलजिम को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होने पर उसको निशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। चौथा, मजदूरी व वेतन पाने का अधिकार। पांचवा, टेलीविज़न व रेडियो की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट, अपने घर वालों व दोस्तों से पत्र व्यवहार करने का अधिकार। नेक्स्ट, अपने घर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लेने का अधिकार। नेक्स्ट, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, पढ़ने लिखने व अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यायाम करने का अधिकार, अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को करने का अधिकार। सो फ्रेंड्स, ये थे कैदियों के अधिकार। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल प्रदीप लीगल हेल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।